दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर, हनीमून मनाने जा रही पत्नी अचानक चलती ट्रेन से कहां गायब हो जाती है। आखिर चलती ट्रेन में उस नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्या होता है, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके द ट्रेन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हनीमून मनाने के लिए पति और पत्नी दोनों ट्रेन की एसी कोच में मुजफ्फरपुर से दार्जिलिंग जा रहे थे। शादी के 5 महीने बाद हनीमून ट्रिप प्लान करते और खुशी से उस ट्रेन में सफर करते हुए जा रहे थे। जैसे ट्रेन किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचती है, पत्नी शौचालय के लिए जाती है लेकिन वापस लौटकर नहीं आती, अचानक ट्रेन से गायब हो जाती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पति काफी ढूंढता है लेकिन पत्नी कहीं नहीं मिलती है। घबराए हुए पति ने ट्रेन से पत्नी के लापता होने का सूचना स्टेशन मौजूद जीआरपी पुलिस को दिया, लेकिन उसके 4 दिन बाद पुलिस ने उस महिला को गुरुग्राम के शॉपिंग मॉल से कस्टडी में लिया और किशनगंज पुलिस को सौंप दिया। पत्नी ने पूछताछ के दौरान बताया कि पति से अनबन होने की वजह से किशनगंज स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़कर दिल्ली के पास गुरुग्राम चली आई और जल्दबाजी में उसका मोबाइल भी कहीं गुम हो गया था। इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है जरूर बताना।